दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ भारत के एक ऐसे रहस्यमय तीर्थ स्थान पर जहाँ पर विश्वास किया जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कोई नहाता है, किसी के पैरों की पजेब की आवाज आती है, पैरों के नहाने की पैड वहाँ पर देखी जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, आज होगा ये रहस्यमय खुलासा पूरी रात जागकर उस रहस्यमय स्थान पर। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट न जाए, और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सुनो भाई, एक चीज और करते हैं, वो गुफा भी अभी तक दिखाते हैं, चलिए एक बार, कि जिसमें से माना जाता है कि जो नहाने के लिए जाया जाता है वो यहाँ से जाते हैं, ऊपर से दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है, ये पैड़ियाँ जा रही हैं नीचे, और ये देखिए बहुत छोटी ईंटों से एक लंबी एक सुरंग है। ये अब इसका फिलहाल का स्ट्रक्चर है, क्योंकि चारों तरफ देखिए सीमेंट लेंटर से इसको कवर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर पुराने समय में ऐसा माना जाता है कि कोई सुरंग थी, कोई निर्माण था यहाँ पर। वो कितना चौड़ा था, किस प्रकार से वो घूमता था, कहाँ जाता, कहाँ तक जाता था, उसकी क्योंकि जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें ना कभी खोज हुआ, ना इस पर शोध हुआ, ना खुदाई हुई इस एरिया की। वैसे यहाँ से इस सुरंग से और वो सरोवर कितनी दूर होगा, है ना, कम से कम 500 मीटर, 200 मीटर नहीं, 500 मीटर तो होगा ना, 40 फुट की तो चढ़ाई नहीं, ये सुरंग नीचे जागा और सुरंगों से तो मिली हुई है साथ में। ये रास्ते अलग अलग तक भी जाते हैं, नीचे इसमें कमरे भी बताए गए हैं, कमरे भी बताए गए इसमें। हाँ, कई साल पहले यहाँ 4 आदमियों ने खुदाई की थी। अच्छा, इसमें इधर मुकर के बोल के बताइए। हाँ जी, इसके अंदर खुदाई की गई थी 4 साल पहले। हाँ, एक दो कमरे में कुछ बंदूकें, कुछ वो सामान मिला था उनको, हथियार वगैरह। हाँ, सोना चांदी भी मिला था। हाँ, उसके बाद उन्होंने अगले दिन वह जैसे शाम को बाहर आए। हाँ, अगली रात सुबह वो मरे पाए। इस तरह के स्ट्रक्चर की है, इसमें पकड़ने के जैसे हाथ से उतरने के कुछ निशान से बने हुए हैं। इसका अंदाजा नहीं है, ये कई हजार साल पुरानी भी हो सकती है, कुछ सौ साल पुरानी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर एक सभ्यता, एक पूरा शहर नगर दबा हुआ है। ये गुफा बता रहे हैं, इसके अंदर कमरे भी बता रहे हैं जी। अच्छा, कुछ कई साल पहले, करीब 20-25 साल पहले, हाँ, 4 आदमियों ने इसमें खुदाई की थी। अच्छा, कुछ उन्हें हथियार और वो सोना चांदी जेवरात मिले थे। अच्छा, फिर उनको लालच आ गया, वो दोबारा मतलब फिर कोशिश में थे। हाँ, तो उनकी डेथ हो गई थी, वो दोबारा नहीं जा पाए। कितने साल पहले की घटना है भाई साहब? ये होगी करीब 25 साल पहले की होगी, 25-30 साल पहले की, 25-30 साल पहले की। आस पास के गांव गांड के लोग सब इस बात को पता है, सबको सबको कि इस सुरंग में वे घुसे थे, अंदर कमरे है इसमें, खुदाई करी, उन्हें काफी कीमती सामान, सोना चांदी जेवरात तलवार वगैरह मिले, हथियार मिले थे, वो लेकर आ गए। उनको कहना था जैसे बंदूक उठाते थे ना, बंदूक, उसकी मिट्टी बनी, राख बनी हुई थी, ऐसे उठाते थे तो राख हो जाती थी हाथ में, वैसे बंदूक रखी हुई थी अंदर इसमें, जो कमरों में। हाँ, दोबारा नहीं जा पाए वो इसमें, अगले दिन उनकी डेथ हुई मिली। सब भी सुना जाता कि यहाँ से जो कुछ निकलता वो राख हो जाता। हथियार मिलते है ना वो, हाँ, इतने प्राणी मिलते है, वो रखे रखे राख हो रही है उनकी। तो दोस्तों देखिये, ये वो मिस्टीरियस रहस्यमय सुरंग। एक चीज देखिए भाई साहब, ये तो सुरंग, और हम एक तरीके से बहुत ऊंचे टीले पर हैं, हम कोई छोटी मोटी जमीन की ऊंचाई पर नहीं खड़े, हम जमीन से कम 50-60 फुट ऊपर है, 100 फुट। एक बात और मैंने यहाँ सुनी है कि ये स्थान उल्टा हुआ स्थान है। अच्छा, एक तो धरती मगर को जाता सीधा, ये उल्ट रखा चुनकट ऋषि ने। अच्छा, तो जो नीचे महल वगैरह मिले है वो उस टाइम ऊपर थे, अब नीचे आ गए इसके। समय के साथ में यहाँ पर मुगलों का भी ऐसा, या मतलब भारत पर जब इस्लाम भारत में आया तो ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर उनका भी शासन कुछ समय के लिए हुआ था सोनू भाई, क्योंकि मुगलों का औरंगजेब का यहाँ पे मैंने ये सुना कि यहाँ पर इसे मियाना गांव के नाम से भी ये था, और मियाने का कोई भी व्यक्ति आज है नहीं ना,
मियाना में कोई भी नहीं, मियाना ही खत्म हो चुका। ये शायद कोई मुस्लिम गांव था, मियाना मुस्लिम बहुल गांव था। इसके बारे में दोस्तों बिल्कुल क्लैरिटी जानकारी नहीं मिल पा रही है, काफ़ी कोशिश के बाद भी, कि इसके लोग कहाँ गए, पाकिस्तान चले गए 1947 के बाद में या उससे पहले ही कहीं उससे पहले गायब हो गए, कुछ ऐसा जानकारी मिल ही नहीं पा रही। और लेकिन ये बात सभी लोग कह रहे हैं कि एक मुस्लिम गांव था, मुस्लिम राजपूतों का शायद ये कोई गांव बताया जाता है। रांगड़ जी ने कहते हैं मियाना, और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में आप विश्वास नहीं करेंगे, इसको लिखा जाता है मियाना नाबाद, यानी कि इसमें आबादी नहीं है, इस तरीके से लिखा जाता है इसको, नाबाद आबादी नहीं है इसमें, मियाना में ये आता है। और यहाँ अब कुछ फिलहाल मंदिर है, यहाँ पर इस टीले के ऊपर हम हैं। ये तो वो जानकारी दी दोस्तों जो शायद ही आपको किसी वीडियो में या किसी लोगों के थ्रू पता लग पाती। अब देखिए रात का सीन समय क्या हो गया होगा भाई साहब, जरा फोन जलाओ दिखाओ, 12 बजे पूरे एग्जैक्ट देखिए फोन में भाई साहब, टाइम क्या हो गया, 3:30 हो गया भाई साहब, 3:30 सुबह के। अब हम कहाँ चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं उसी घाट पर, ब्रह्म मुहूर्त का ये समय है और ऐसा माना जाता है कि इसी समय वहाँ कोई आवाज़ है वो देखने की हमें मौका मिल रहा है। हम सभी 4 लोग हैं और इस टीले से जहाँ पर ये राजा, कौन से राजा का महल था, किला था, यहाँ पर चकवा बैन के किले पर से होते हुए हम यहाँ से गुजर रहे हैं। वैसे जैसे ये जो मंदिर है ये ऊपर, ये कितने बजे इनमें आरती वगैरह या यन के पुजारी या साधु महात्मा इस मंदिर में जो रहते हैं वे कितने बजे उठ जाते हैं? 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठेंगे भाई साहब। कहाँ गए हम? तालाब पे आ गए, घाट पर आ गए, सरोवर पर। जो नहीं आया सुना है कि यहाँ आते हैं जो भी, यहाँ जो सुबह आते हैं 2 बजे 3 बजे तो पैड़ियों के निशान मिलते हैं, पैरों के निशान। एक बात और अपन भाई जी, यहाँ पे कोई किसी टाइम भी सुबह आकर देख लियो, उससे पहले ही नया हुआ मिलेगा। हाँ। यहाँ पे एक जुगतीनाथ साधु हुए जो 12 साल इसी सतकुंभा तीर्थ में रहकर उन्होंने जल में तपस्या की, लेकिन उनको भी उस ऋषि महात्मा के दर्शन नहीं हुए जो यहाँ पे सुबह नहाता ब्रह्म मुहूर्त में। यहाँ पे पौन भाई एक मान्यता और है। हाँ। यहाँ पे सतयुग में 7 ऋषियों ने यहाँ तपस्या कर रखी इस तपोस्थली पर सतकुंभा की। अच्छा, तो हो सकता है ये तपोबल के कारण यहाँ आज भी ऋषि विद्यमान हो, और 7 तीर्थों का यहाँ पे नाम है इसलिए सतकुंभा तीर्थ इसको बोला जाता है। पैर देखो कहीं कहीं निशान दिखे, सुनो भाई ये कैसी आवाज है, लग रहा कि कोई मारा, ऐसी आवाज आ रही है, ऐसी आवाज आ रही ना। देखो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, बोलियो ना, सुनो सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो सुनो भाई सच में जैसे बोलियो नहीं, आवाज तो आ रही है नाने की, आवाज आ रही है। देख ये देखो बंद हो गई आवाज, आवाज बंद हो गई, सुनो देखो आ रही है पूरी, चुप चुप। पानी तो हिल रहा है भैया, दिखाइए किधर, पानी दिखाना, आवाज कहाँ से आ रही है, देख लग रही है पानी पे, लग रही हाँ हिल रहा, देखो एक मिनट पानी हिल रहा, हिल रहा, कोई नहीं आसपास, कोई आसपास जाल लग रही है, देखो पर ना इस समय पानी रुका हुआ महसूस होना चाहिए है ना। आज तक रुका हुआ ही था, देखो देखो शांत सुनो कितना तेज है ये देखो,
हिल रहा है अपना, हिल रहा है। ये देखो है, आवाज भी थी, सुनो बर्तन की आवाज भाई साहब। हाँ जी, किसी बर्तन की आवाज, जैसे लोटा ग्लास, देखो सुनो कमंडल, कमंडल है। देखो जल चारों तरफ, कोई नहीं है तालाब के, बिल्कुल सुनसान है। ये कैसे संभव है, देखो आवाज आई क्या है, ओम ऐसी आवाज थी ना। हाँ, सुनाते हुए भाई जी, ये देखियो क्या है, एक सेकंड, ये देखो गिल्ला है भाई साहब, गिल्ला है, है? निशान है, है? ये के निशान देखियो कैसे गिल्ले निशान है। ये क्या है भाई जी, इधर देखियो अल्लाह है। हाँ, गिल्ला है भाई, वही कमाल नहीं हो रहा है, ये क्या है, गिल्ला है, गिल्ला है, ये भी गिल्ला है भाई। जैसे देखो एक पैर जैसे उस पे टिक रहा, एक इस पे, एक अगली पे है, इस पे ये गिल्ली है, गिल्ली भाई जी है ना, देखो। हाँ, गिल्ली है भाई जी। ये भी, और यहाँ पे आके देखो एक चीज, जैसे पैर पानी लग के आया अंदर से पीछे से, तो धीरे 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 फीकी होती जा रही है, और यहाँ सिर्फ थोड़ी सी दिखाई दे रही और मिट गई, और देखो ये लास्ट पैड ही है, इस पे देखो मिटने वाली हो रही है सूखने को, उंगलियों को देखो, पैर के, पैर की, पैर के अंगूठों के निशान से, और ये लास्ट पैड ही है, इसके बाद मिट गए देखो निशान। सुनो भाई, इसके बाद निशान मिट गए। इसके बाद नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ तक तो दिखाई दे रहे हैं, ये फिर आगे सरोवर की सीमा खत्म ना, मंदिर की चाल, मंदिर की चाल होगी, मंदिर की चाल, ये इधर बस ऐसे मंदिर की तरफ है, मंदिर की तरफ जा रही है, ये मंदिर की तरफ जा रही है, यहाँ से 353 हो गए, 353।